नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओला लर्नर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नवंबर 2012 साइंस का पेपर, और जो हमारे प्रीवियस जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर आप जाके देखिएगा, तो हमने जनवरी 2012 और 2011 का पेपर डिस्कस कर लिया है। चलिए तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, पूरा पेपर डिस्कस करेंगे और साथ में पेडागोजी भी। क्वेश्चन नंबर 61 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, निम्न में से कौन सा एक विषमांगी मिश्रण है? गुब्बारे में भरी हुई हवा, ब्रास यानी कि पीतल, स्टेनलेस स्टील या फिर आयोडीन युक्त नमक। तो राइट आंसर इसका होने वाला है ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि आयोडीन युक्त नमक, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, आयोडीन युक्त नमक। आयोडीन युक्त नमक जो होता है उसे हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर में काउंट करते हैं। हमें लगता है गुब्बारे में भरी हवा भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, लेकिन गुब्बारे में जो हवा भरी है उसमें कार्बन नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, तो इन सभी के यदि हम साइज पार्टिकल्स की बात करें तो लगभग सेम होता है, इसलिए ये होमोजीनियस में काउंट किया जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है, किसी चुंबक को लोहे रेतन तथा सल्फर पाउडर के मिश्रण में फराया गया, परीक्षण करने पर यह पाया गया कि, अब आप क्या करोगे, सल्फर पाउडर में लोहे की रेतन जो होती है या फिर आयरन फिलिंग्स जो होती है इनको फरा रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लोहे रेतन चुंबक के उत्तर ध्रुव तथा सल्फर दक्षिण ध्रुव की ओर आकर्षित होते हैं। लोहे रेतन चुंबक के दक्षिण ध्रुव तथा सल्फर उत्तर ध्रुव की ओर आकर्षित होते हैं। केवल लोहे रेतन ही समान रूप से चुंबक के दोनों ध्रुवों की ओर आकर्षित होता है। और ऑप्शन नंबर फोर है, लोहे रेतन दोनों ध्रुवों से आकर्षित होती है तथा सल्फर चुंबक के बीच में चिपक जाती है। आपके लिए यदि मैं बताऊं तो ये जो आपका सल्फर होता है, ठीक है, सल्फर आपका नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, ओके, यानी कि इस पर मैग्नेट का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो जो लोहे रेतन रही वो ओनली आपकी चुंबक से चिपकेगी, जो सल्फर रहेगा वो अट्रैक्ट नहीं होगा। तो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर थर्ड, केवल लोहे रेतन ही समान रूप से चुंबक के दोनों ओर आकर्षित होती है। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 की यदि हम बात करें, यदि आपसे किसी भली भांति प्रकाशित पेंटिंग के प्रतिबिंब को दीवार पर प्रेक्षित करने के लिए कहा जाए तो आप इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित प्रकाशीय युक्तियों में से किसे चुनेंगे? तो आप किसका यूज़ करोगे, समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस? जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि आपको दीवार पर प्रेक्षित करना है, यानी कि आपको पेंटिंग वॉल पर करना है, तो आप हमेशा ये देखोगे कि रियल इमेज किस केस में बनेगा, ठीक है। रियल इमेज हमेशा दो केस में बनता है, कौन सा केस? या तो आपके पास हो कॉनकेव मिरर, कॉनकेव में क्या हो, मिरर हो, या फिर आपके पास हो कॉनवेक्स लेंस। तो यहाँ पर देख लीजिए दोनों में से कहाँ पर मिल रहा है, तो हमें यहाँ पर कॉनवेक्स लेंस मिल जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। नीचे दी गई यात्रा में किसी विभिन्न समय पर ओडोमीटर के पाठ्यांक दिए हुए हैं, अब इन पाठ्यांकों में से क्या निकालना है? वाहन की मीटर प्रति सेकंड में चाल, मीटर पर सेकंड में उसकी स्पीड क्या होगी व्हीकल की, ये हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि लास्ट मेजरमेंट क्या है, 712, इससे जस्ट पहले वाला कितना है, 6640, दोनों को माइनस कर देते हैं, यहाँ पर 11 में से 4 गए 7, तो कितना आ गया 72, डिस्टेंस आ गया 72। टाइम देखो 8 बजे से 10 बजे तक टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है 2, तो ये किलोमीटर में आया और ये आपका आवर में आया। हमें क्या निकालना था, इसकी स्पीड निकालना था, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि हमारा आ गया 36, लेकिन हमारा आंसर 36 नहीं हुआ, बिकॉज हमें किस में चाहिए आंसर, मीटर पर सेकंड में चाहिए, और मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है, 18 से किया गया 2 टाइम एंड 5 2 10, हमारा राइट आंसर होगा 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड मीन्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ चलते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 65। 5 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई पिंड किसी चिकने घर्षण रहित क्षैतिज पृष्ठ पर 10 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से फिसल रहा है, इस पिंड को इसी वेग से गति करने के लिए आवश्यक बल कितना होगा? देखिए किस पर फिसल रहा है, वो घर्षण रहित मतलब फ्रिक्शन लेस सरफेस पर जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसे और मूव कराने के लिए हमें फोर्स की ज़रूरत नहीं होती। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा, 0 न्यूटन, हमें कोई कैलकुलेशन की इसमें ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66 है, मानव की आहार नाली के विभिन्न भागों के सही क्रम का चयन कीजिए कि जो आप खाना खाते हो वो सबसे पहले किस में जाएगा? तो सबसे पहले मुख में जाएगा, मुख किस में है, चारों में, ठीक है। इसके बाद ग्रसिका में जाएगा, ग्रसिका किस में है, मुख के बाद फर्स्ट वाले में है और थर्ड वाले में। इसके बाद अमाशय में जाएगा, बिल्कुल सही। इसके बाद छोटी आंत में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर रहेगा कि पहले गया माउथ में, उसके बाद ईसोफेगस,
उसके बाद स्टोमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 67 है, व्यायाम के पश्चात कभी कभी हमारी पेशियों में क्रैम्प या खिंचाव उत्पन्न हो जाते हैं, इसका कारण क्या है या फिर इसका रीज़न क्या है? फर्स्ट है ग्लूकोज का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित नहीं होना, सेकंड पाइरूवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होना, थर्ड पाइरूवेट का अल्कोहल में परिवर्तित होना, फोर्थ ग्लूकोज का पाइरूवेट में परिवर्तित नहीं होना। तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट रहेगा कि जो आपका पहले ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज पहले चेंज हो जाएगा पाइरूवेट में, और जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी को और ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए फिर हमारा मसल्स में रेस्पायरेशन होता है जिससे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ, निम्नलिखित में से पाचन तंत्र के भागों को उस सही समुच्चय को चुनिए जो पाचन का कार्य नहीं करते, यानी कि जो डाइजेशन नहीं करेंगे लेकिन जो ओनली ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। फर्स्ट है ग्रसिका मुखगुहिका मलाशय, ग्रसिका बृहदान्त्र मलाशय, ग्रसिका मुखगुहिका बृहदान्त्र या क्षुद्रांत बृहदान्त और मलाशय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड रहने वाला है कि जो आपका ईसोफेगस होता है और लार्ज इंटेस्टाइन होता है एंड रेक्टम होता है, ये ओनली ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, इनका डाइजेशन में कोई भी हेल्प नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 69, आहार नाल का वह कौन सा भाग है जो यकृत से पित्त रस ग्रहण करके इसे पित्ताशय में संग्रहित करता है? आपको सिर्फ ये याद रखना है कि एलिमेंट्री कैनाल का वो कौन सा पार्ट है जो बाइल जूस रिसीव करता है आपके लीवर से, तो कौन सा करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ, भोजन के पाचन में शामिल जटिल प्रक्रियाओं का सही क्रम क्या होगा, राइट सीक्वेंस क्या होगा ये बताना है। सबसे पहले आप खाना खाते हो यानी इंजेशन सबसे पहले आ जाएगा, इसके बाद आएगा आपका डाइजेशन, तो किस में दिख रहा है डाइजेशन, सेकंड वाले में, इसके बाद ऑब्जर्व होगा, इसके बाद एब्जॉर्ब होने के बाद एसिमिलेशन एंड फिर इजेक्शन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा कि इंजेशन, डाइजेशन, ऑब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेक्शन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ, दीर्घ रोम यानी कि जो आपके विलाय होते हैं इसके बारे में बताना है, कौन से कथन सही है? फर्स्ट है ये उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, बिल्कुल सही बात है, इनकी भित्तियाँ अत्यधिक पतली होती हैं, इनमें महीन छिद्र होते हैं जिनसे भोजन आसानी से गुजर सकता है, सही बात है, इसमें रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है जो इनके पृष्ठ के समीप होता है, बिल्कुल सही। तो ए सी और डी देखते हैं किसमें, तो ए सी डी मिला हमें ऑप्शन नंबर थर्ड में, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ, निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में सत्य हैं, यानी कि जो आपका प्रकाश संश्लेषण होता है फोटोसिंथेसिस उससे रिलेटेड ट्रू स्टेटमेंट को चूज करना है। फर्स्ट है इन दिस प्रोसेस सोलर एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, बिल्कुल सही बात है कि सन की जो एनर्जी आती है उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इन फोटोसिंथेसिस CO2 एंड H2O आर यूज्ड, बिल्कुल सही है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का यूज़ किया जाता है। CO2 इज़ रिलीज, बिल्कुल गलत, O2 इज रिलीज एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इज कंज्यूम, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का बेसिकली कंजप्शन इस प्रोसेस में नहीं होता है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा ए एंड बी, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंजप्शन होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ, सितार बजाने से पूर्व कोई सितार वादक सदैव ही सितार की डोरी के तनाव को समायोजित करता है, उसे उचित प्रकार से झंकृत करने का प्रयास करता है, ऐसा करके सितार वादक क्या समायोजित करेगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सितार की डोरी द्वारा उत्पन्न ध्वनि की प्रबलता, कंपन का आयाम, ध्वनि की तीव्रता या फिर सितार की डोरी का तारत्व। तो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ, पिच ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ सितार, क्योंकि सितार की डोरी का यदि तारत्व अधिक होगा तो उसमें से जिस तरह की आवाज़ या जिस तरह का संगीत वो सुनाना चाह रहा है उस तरह का संगीत वह नहीं सुना पाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 74 है, भारी बोझा उठाने वाला कूली सदैव अपने पास एक लंबा कपड़े का टुकड़ा रखता है, सिर पर बोझ को रखने से पहले वे इस कपड़े की गोल चकती आकार में लपेटकर अपने सिर पर रखकर फिर उस पर बोझ रखते हैं। आपने देखा होगा जो उसके पास इस तरह से लंबा जो कपड़ा होगा ना इस कपड़े का, वो क्या करेगा, कुछ इस तरह से राउंड राउंड कर लेगा, ठीक है, फिर इसके बाद इसको अपने सिर पर रखेगा। ऐसा करने से क्या होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अपने सिर से बोझ के संपर्क क्षेत्र को बढ़ा लेता है, अपने सिर पर बोझ द्वारा लगाए गए बल को घटा लेता है, बोझ का प्रणोद घटा लेता है या फिर संभावित चोट से अपने सिर का बचाव कर लेता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहने वाला है कि अपने सिर से बोझ के संपर्क क्षेत्र को बढ़ा लेता है। ये राइट आंसर क्या कैसे होगा, बिकॉज आपका प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, यानी कि मैं यहाँ पर
इस तरह से वो लिख देता हूँ, यदि आप एरिया इंक्रीज करोगे तो इसका मतलब प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, एरिया इंक्रीज करने पर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, तो संपर्क क्षेत्र बढ़ा लेगा जिससे उसके ऊपर कम प्रेशर पड़ेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75, वनों के संरक्षण के लिए एक सफल कार्यनीति आवश्यक है, इस कार्यनीति में क्या शामिल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वनों के सभी भौतिक एवं जैविक संगठनों के संरक्षण के लिए व्यापक कार्यक्रम, शाकाहारियों का बचाव, उपभोक्ताओं का बचाव, या फिर उच्चतम पोषण स्तर के जंतुओं अर्थात सीड्स के मांसाहारियों का बचाव, क्योंकि वे शाकाहारियों पर सीधे निर्भर होते हैं। तो राइट आंसर की मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा कि वनों के सभी भौतिक एवं जैविक संगठन के संरक्षण के लिए व्यापक कार्यक्रम। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ, कुछ डायनासोर के पर थे, यद्यपि वे उड़ नहीं पाते थे परंतु पक्षियों के पर होते हैं जो उड़ने में उनकी सहायता करते हैं, विकास के संदर्भ में इसका अर्थ क्या है। देखो डायनासोर के पर हैं यानी कि उनके फीदर्स हैं लेकिन वे उड़ नहीं पा रहे, पक्षियों के पर हैं लेकिन वो उड़ सकते हैं, यहाँ पर क्या है अंग सेम है लेकिन कार्य अलग अलग हैं, तो इसमें इनको हम क्या बोलेंगे, इन्हें बोलते हैं हम समजात अंग। तो दोनों ही जीवों पर समजात अंग है। ठीक है बात, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 77 की तरफ, भूतापीय ऊर्जा एक वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत है, इस ऊर्जा के लिए सर्वाधिक संभावित क्षेत्र वे हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो तटीय क्षेत्रों के निकट हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड जहां कोयले की खाने हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड जहां तापीय विद्युत संयंत्र हैं, ऑप्शन नंबर फोर्थ जो भूपरपट्टी के तप्त स्थलों के ऊपर हैं। यदि आप भूतापीय ऊर्जा के लिए जा रहे हो तो वो सही रहेगा जो भूपरपट्टी में तप्त स्थलों के ऊपर होंगे। ओके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ, निम्नलिखित में से तीन धातुओं के ऐसे समूह को चुनिए जो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, फ्री स्टेट में, एल्यूमिनियम नहीं पाई जाती, आयरन नहीं पाई जाती, कॉपर नहीं पाई जाती, सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम तीनों ही पाई जाती है। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ चलते हैं, निम्न अभिक्रियाओं में से उन्हें चुनिए जो कि संभव है यानी कि जो पॉसिबल है उन्हें हमें चूज करना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एल्यूमिनियम सल्फाइड प्लस कॉपर, और यहाँ पर है फेरस सल्फाइड प्लस जिंक, कॉपर सल्फाइड प्लस फेरस, एल्यूमिनियम सल्फाइड प्लस जिंक। देखिए फर्स्ट ऑप्शन तो आप इनकरेक्ट कर दीजिएगा क्योंकि कॉपर बहुत ही कम, बहुत ही लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है, ये वाली रिएक्शन पॉसिबल है क्योंकि जिंक आयरन को रिप्लेस कर देगा, ये वाली भी पॉसिबल है क्योंकि आयरन यहाँ पर कॉपर को रिप्लेस कर देगा, और ये डी वाली पॉसिबल नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ रहेगा, बी व सी। ठीक है बात, यदि आप रिएक्टिविटी सीरीज देखना चाहते हो तो रिएक्टिविटी सीरीज है, सबसे फर्स्ट पर आता है आपका पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, फिर इसके बाद आपका मरकरी, सिल्वरी एंड ओरम। और यदि किसी को इसकी बहुत अच्छी ट्रिक मालूम हो तो वो मुझे कमेंट में उसकी ट्रिक बता सकता, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका नेम मेंशन करूँगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ, उर्वरकों में उपलब्ध फसलों के पोषक तत्व कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम, आयरन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस और आयरन, नाइट्रोजन, सोडियम और पोटेशियम। राइट आंसर इसको आप याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा, उसमें नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है और पोटेशियम होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ, निम्नलिखित में से किस पार्ट में पहले सामान्य नियम स्पष्ट किए जाते हैं और उसके बाद उदाहरण दिए जाते हैं, यानी कि आप कहाँ से कहाँ तक जा रहे हो, आप जा रहे हो नियम से उदाहरण की तरफ, और नियम से उदाहरण की तरफ हम किस में जाते हैं, हम जाते हैं डिडक्टिव मेथड में यानी कि निगमनात्मक पाठ में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 82 है विज्ञान में पाठ्यचर्या योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है प्रत्येक सत्र में किए जाने वाले वैज्ञानिक प्रकरणों को निर्धारित करने के लिए की जाती है, वैज्ञानिक अध्ययन को दूसरे विषय क्षेत्रों के कार्य के साथ जोड़ने के लिए की जाती है, यह प्रत्येक सत्र के लिए प्रत्येक कार्य का इकाई विवरण देती है, या फिर पूर्व अधिगम पर निर्मित करने के लिए प्रत्येक पाठ के विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों के लिए योजना की जाती है। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ रहेगा कि पूर्व अधिगम पर निर्मित करने के लिए प्रत्येक पाठ के विशिष्ट अधिगम उद्देश्य की योजना बनाने के लिए हमारे पास पहले ही पाठ्यचर्या योजना होना चाहिए। ठीक है बात, क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 है कि भौतिकी के कड़े रूप से संचरित पाठ के लिए थोड़े लचीलेपन से पढ़ाया जाए तो ये उस विद्यार्थी को सीखने के लिए सबसे कम उपयुक्त तो होगा, किसके लिए, जिसकी बुद्धि लब्धि 125 है, 125 है मतलब जो कि आपका मंद बुद्धि में आएगा, आई थिंक मंद बुद्धि बोलते हैं या कौन सा बुद्धि बोलते हैं आप लोग देख लीजिएगा, जिसकी बुद्धि लब्धि 25 है वो आएगा, आई थिंक मंद बुद्धि ही इसे बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 84,
जैव विज्ञानों में पाठ्य योजना को ध्यान में रखते हुए मुख्य रूप से निर्देशित होनी चाहिए। फर्स्ट, कक्षा की औसत बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में अभिभावकों को संतुष्ट, पाठ्यचर्या के लक्ष्यों और अधिगम परिणामों या फिर बच्चों को कार्य उपलब्ध कराना। देखिए, पाठ्य योजना जो आप बनाते हो, पाठ्य योजना आप इस तरह से बनाते हो कि पाठ्यचर्या के लक्ष्य भी पूरे हो जाएं और अधिगम के जो परिणाम यानी जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो भी कंप्लीट हो जाएं, और लर्निंग आउटकम्स के अंदर ये वाला पॉइंट पहले ही इंक्लूड हो जाता है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर थर्ड की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 85 है, जब उच्चतर कक्षा के बच्चे शोध कार्य करते हैं तो शिक्षक को जिस मुख्य समस्या से जूझना पड़ता है वह है, फर्स्ट, उपयुक्त सामग्री खोजना, इंटरनेट पर विद्यालय पुस्तकालय में समय का सूचीकरण, पब्लिक पुस्तकालय का सहयोग प्राप्त करना, या फिर बच्चों को नकल करके विश्वकोशों और पुस्तकों से शब्दशः उतारने से रोकना एवं प्रभावी तरीके से उनका मार्गदर्शन करना। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर रहेगा कि बच्चे हो सकता है नकल कर लें या फिर किसी बुक में से एज इट इज़ उसे लिख दें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ, शिक्षण की प्रोजेक्ट विधि के दर्शन के साथ सर्वश्रेष्ठ रूप से संबंधित है। इसका राइट आंसर रहेगा जॉन डीवी, और जो हम किलपैट्रिक पढ़ते हैं तो किलपैट्रिक कौन थे, किलपैट्रिक शिष्य थे जॉन डुई के, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 87, विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक निर्देशन का आयोजन करता है लेकिन निर्देशन का अपेक्षित परिणाम नहीं आ पाता है, शिक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ सलाह होगी। निर्देशन को रोकना, उसे दोबारा दोहराना, कक्षा को बताना कि निर्देशन असफल हो गया है और उससे कारण निर्धारित करने सहायता करने के लिए कहना, या फिर विद्यार्थियों के साथ मिलकर निर्देशन की असफलता का कारण का पता लगाना व उसे समझाना, या फिर विज्ञान समन्वयक के पास एक नोट भेजना जिसमें उन्हें कक्षा में आने के लिए कहा गया है। देखिए, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा कि कक्षा को बताना कि निर्देशन असफल हो गया है और उनसे कारण निर्धारित करने और सहायता करने के लिए कहना, ताकि बच्चे भी उसमें हेल्प कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, अधिगम की जटिलता की प्रतिक्रिया के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयोग के लिए विज्ञान शिक्षक को नहीं दी जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1, जटिल संकल्पनाओं को आरंभ करते समय विद्यार्थियों के चिंतन को प्रोत्साहित करने के लिए केवल मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों को पूछना, या फिर विद्यार्थियों के पूर्ववर्ती ज्ञान का पता लगाने हेतु पूर्व परीक्षण लेना, गुण प्रक्रियाओं को समझाने हेतु हस्तचलित सामग्री का उपयोग, या फिर शिक्षण स्तर को अलग अलग विद्यार्थियों के स्तर से थोड़ा अधिक परंतु कक्षा के स्तर की सीमा के भीतर रखना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा कि आप पूर्ववर्ती ज्ञान करने के लिए पहले कोई परीक्षण नहीं लोगे, यानी पहले आप कोई टेस्ट नहीं लोगे, आप ये हो सकता है कि मुक्त अंतर वाले प्रश्न पूछें ताकि सभी बच्चे उसके लिए मोटिवेट हो जाएं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि एक मिश्रित योग्यता वाली कक्षा जिसमें विद्यार्थी संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न चरणों में हैं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रहेगी। मूर्त वस्तुओं को शामिल करके हाथ से की जाने वाली गतिविधियों द्वारा अमूर्त संकल्पनाओं का सरणीकरण, बात तो ये सही है, और देख लेते हैं। प्याजे द्वारा बताए गए विज्ञान विकास के चार चरणों के अनुसार कक्षा का चार समूह में पुनः वर्गीकरण, ये बात भी हो सकता है। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए व्यष्टि अनुदेशन के लिए योजना, या फिर विद्यार्थियों के बुद्धि लब्धांगों का औसत निकालकर उनके अनुसार शिक्षण करना। देखिए, संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न चरणों में है, यानी कि कोई बच्चा छोटा है, कोई बड़ा है, कोई बड़ा उससे बड़ा है, तो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा। हम जाएंगे जीन प्याजे के साथ। क्वेश्चन नंबर 90 है, विज्ञान की कक्षा में निम्नलिखित गतिविधियों में से किसका सबसे कम शैक्षणिक मूल्य होगा, मॉडल निर्माण करना, सशल प्रयोग के बारे में सीखना, वैज्ञानिक सिद्धांत की चर्चा, या डिजाइन बनाना। तो डिजाइन बनाना राइट आंसर रहेगा, क्योंकि डिजाइन किसी की भी हो सकती है, हो सकता है वो घर बना रहा हो सकता है मेहंदी कढ़ाई वगैरह कुछ भी चल रहा हो, तो ओनली डिजाइन बनाने से आप विज्ञान शिक्षण नहीं करा सकते। तो इस तरह से हमारे 19 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी आप बताइए कमेंट सेशन में, और जल्द ही कंप्लीट साइंस एंड कंप्लीट मैथ्स भी आपको मेरे चैनल पर मिलने वाली है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।